माईसेल्फ मारुति नंदन सिंह, मैं एक बार फिर आपके साथ बायोलॉजी सेक्शन के एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूं और आज हम बायो के एक नए टॉपिक को देखेंगे जो टॉपिक है आपका डिजीज एंड मेडिसिन यानी बीमारियां और औषधियां। ढेर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे वन डे लेवल के एग्जाम हो या आपका पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, स्टेट सिविल लेवल के एग्जाम हो, सभी में ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन में आपसे चार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पहला है कि वो बीमारी किस कारण से हो रही है, दूसरा उस बीमारी के लक्षण क्या हैं, और तीसरा कि उस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण के अलावा वो बीमारी किसके माध्यम से फैलती है। तो इस तरीके से तीन या चार तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इन बीमारियों के लिए कैसी मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, इनका उपचार क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ दिस। कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है जो इससे संबंधित है, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजनों से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के लिए संक्रामक है। संक्रामक, पहले क्वेश्चन देखेंगे। संक्रामक का मतलब है कि जो संक्रमण से यानी एक से किसी दूसरे जीव में फैलती हो, यानी किसी एक जीव में जिसमें पहले से ये बीमारी है या इस बीमारी का कारक उपस्थित है, उस जीव से किसी दूसरे जीव में फैलना ही कहलाता है संक्रमण या संक्रामक। अब मानवों के लिए इनमें से कौन सा वायरस है जो संक्रामक है, H5N1, दूसरा है H1N5, और तीसरा है H2N3, चौथा है H4N2। तो राइट आंसर है आपका H5N1। दिस इज द राइट आंसर। H5N1 एक प्रकार का वायरस है जो काफी घातक वायरस है और यह संक्रमण फैलाता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, रोगों का कारक है। तो आप याद रखेंगे कि H5 और N1 एक प्रकार का संयोजन है विषाणु का जो मानव में संक्रमण पैदा करता है। निम्नलिखित में से हीनता जन्य रोग कौन सा है। हीनता जन्य का मतलब है कि कौन सा रोग किसी तत्व की या किसी पदार्थ की कमी के कारण उत्पन्न होता है। बेसिकली कई तरीके के पदार्थ मनुष्य के शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल तथा सॉल्ट्स। ये सभी ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं और इन्हीं की कमी से ढेर सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो पहला देखेंगे कि इनमें कौन सी बीमारी जो है वो किसी तत्व की कमी के कारण होती है। दमा, जिसे अस्थमा कहते हैं, दमा एक श्वास की बीमारी है जो किसी भी पदार्थ की कमी के कारण नहीं बल्कि किसी ऑर्गेनिज्म के संक्रमण के कारण फैलती है। दूसरा है पीलिया। पीलिया या ज्वाइंटिस भी एक तरीके की बीमारी है और पीलिया या ज्वाइंटिस जैसी बीमारियां किसी पदार्थ की कमी के कारण नहीं होती हैं, बल्कि पीलिया जैसी बीमारी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पीलिया जैसी बीमारियां मनुष्य के शरीर में एक सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसे कहते हैं लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, और इसी लीवर के अंदर एक क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है जिसे कहते हैं बाइल या पित्त। बाइल या पित्त जैसे पदार्थ का निर्माण, जो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है, लीवर में होता है, और इसी बाइल में दो तरीके के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिसके कारण किसी भी पदार्थ में कलर हो या रंग हो। तो पित्त का रंग हल्का पीला रंग होता है, वो इसमें पाए जाने वाले दो वर्णकों यानी पिगमेंट के कारण होता है। पहले का नाम है बिलीरुबिन और दूसरे वर्णक का नाम है बिलीरुबिडिन। पित्त में दो प्रकार के पिगमेंट हैं यानी वर्णक हैं जिनके कारण पित्त का रंग हल्का पीला होता है, एक बिलीरुबिन और दूसरा बिलीरुबिडिन। इस बिलीरुबिन के कारण ही पित्त का कलर हल्का पीला रंग होता है या लाइट येलो कलर होगा, हल्का पीला रंग होगा। जब किसी व्यक्ति के लीवर में संक्रमण हो जाता है तो उसके शरीर में
पित्त का स्राव तो होता है, यानी उसके लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन इस पित्त की मात्रा को अवशोषित नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है लीवर। ऐसी परिस्थिति में पित्त की मात्रा मनुष्य के लीवर में यानी शरीर में बढ़ जाती है। जैसे ही पित्त की मात्रा बढ़ती है, ठीक उसी के साथ इन दोनों वर्णकों की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी बिलिरुबिन जिसके कारण पित्त का रंग हल्का पीला रंग है, इसकी मात्रा बढ़ने पर मनुष्य के शरीर में ज्वाइंटिस या पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है, और यही कारण है कि पीलिया में व्यक्ति का शरीर पीला हो जाता है। तो पीलिया किसी पदार्थ की कमी के कारण नहीं होता है, यह भी गलत है। तीसरा है आपका स्कर्वी, और चौथा है कैंसर। कैंसर भी किसी पदार्थ की कमी के कारण नहीं होता है। स्कर्वी जैसी बीमारियां एक तरीके के ये विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितने तत्व हैं जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है या आवश्यक तत्व होते हैं जनरली। तो मनुष्य के शरीर में फिलहाल नियर अबाउट अभी तक 29 आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, और चूंकि इनमें ऑप्शन में 16, 28 यानी 16, 28, 32 और 33 दिया है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट और नजदीक ऑप्शन है हम उसे सही मानेंगे। सो राइट आंसर विल बी 28 यानी 28 सही विकल्प होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर है 29। निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है, इन चारों कंपाउंड यानी यौगिकों में से कौन सा यौगिक पेन किलर की तरह व्यवहार करता है, यानी किसी व्यक्ति में दर्द नाश करने का काम करता है। पहला है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, दूसरा है एनल्जेसिक, और तीसरा है एंटीपायरेटिक, चौथा है डिसइनफेक्टेंट। एनल्जेसिक एक तरीके का दर्दनाशक है, एनल्जेसिक का ही प्रयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। सो राइट आंसर है आपका एनल्जेसिक। एनल्जेसिक जैसी दवाएं पेन किलर के रूप में यूज की जाती हैं, यानी दर्दनाशक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जबकि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का काम है शरीर में रोग के कारक यानी जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देना। यह शरीर में रोग के कारक जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। तो याद रखेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरियाओं की वृद्धि को ये रोक देता है, जिस बैक्टीरिया के कारण रोग फैलेगा। अगर आप एंटीबायोटिक दवाओं को लेते हैं तो आपके शरीर में प्रॉपर जो एक बीमारी का कारक जीवाणु है उसकी वृद्धि रुक जाती है, और एनाल्जेसिक एक पेन किलर है। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब है किसी चीज में वृद्धि होना, और टेंशन का मतलब है तनाव, यानी तनाव में वृद्धि होना। बेसिकली हाइपरटेंशन जैसे शब्द का प्रयोग मनुष्य के शरीर में जब रक्त का दाब बढ़ता है यानी रक्तचाप बढ़ जाता है, तो उसी स्थिति को कहते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन देखेंगे, पहला है हृदय की गति तेज होने के लिए, यानी अगर हार्ट बीट बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत है, हार्ट बीट बढ़ने को हाइपरटेंशन नहीं कहते हैं। हृदय की गति धीमी होने के लिए, यानी अगर किसी व्यक्ति के हार्ट की गति यानी स्पीड स्लो हो जाए, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है रक्तचाप घटने के लिए, तो घटने को हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, क्योंकि उस हाइपर का मतलब ही है इंक्रीज होना। सो फोर्थ है आपका रक्तचाप बढ़ने के लिए, तो राइट आंसर है आपका रक्तचाप बढ़ना, क्योंकि हाइपरटेंशन में मैंने अभी आपको बताया कि रक्तचाप इंक्रीज कर जाता है, बढ़ता है। सो सही है आपका चौथा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है,
मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां मनुष्य में होती हैं और ये मनुष्य के दिमाग से संबंधित बीमारी है, यानी ब्रेन से रिलेट करती है, ये एक तरीके की दिमाग से संबंधित डिजीज है और विकार है। राइट आंसर है चार विकल्प, देखिए पहला है वृक्क, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं किडनी, फिर यकृत जिसे आप कहेंगे लीवर, और फिर है हार्ट यानी हृदय, और फिर ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो राइट आंसर है आपका ब्रेन या मस्तिष्क। मस्तिष्क संबंधी बीमारी है एक प्रकार का, ब्रेन संबंधी विकार है मेनिनजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है, यानी इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो वाटर के कारण फैलती है, यानी जल के द्वारा फैलती है। तो पहला है मधुमेह, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, तो मधुमेह जैसी बीमारियां किसी व्यक्ति में जल के कारण नहीं फैलती हैं, जबकि मधुमेह जैसी बीमारियां मनुष्य के शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं अग्नाशय, और इस अग्नाशय ग्रंथि में एक हार्मोन का स्राव होता है, यानी एक हार्मोन का निर्माण होता है जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण अग्नाशय में होगा, और इस इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है, रुधिर है, उस रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करना, यानी बढ़ने से रोकना। ये बॉडी में रक्त के अंदर या रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, इसका मुख्य कार्य है। ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में बढ़ने से रोकना। जैसे ही इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, वैसे ही मनुष्य के रक्त में यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, और ग्लूकोज के बढ़े हुए स्तर को ही कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह। तो मधुमेह जैसी बीमारियां इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से होती है। तीसरा ऑप्शन है आपका चेचक। चेचक एक तरीके का वायरल डिजीज है, यानी पर्टिकुलर ये विषाणु जनित रोग है जो वायरस के कारण होता है। विषाणु के कारण चेचक जैसी बीमारियां होती हैं। चौथा है आपका मलेरिया। मलेरिया मक्खी द्वारा फैलता है, मक्खी के द्वारा फैलता है। हैजा या हैजा जैसी बीमारियां ही आपका जल जनित रोग है या वाटर के द्वारा फैलती हैं। सो राइट आंसर है आपका सेकंड, हैजा। क्वेश्चन नंबर 8, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर जैसी समस्या रेडियोधर्मिता, जिसे आप कहेंगे रेडियो एक्टिविटी के कारण होती है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडिएशन के द्वारा या जितने रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनके द्वारा उत्पन्न विकिरणों के द्वारा या उनके अंदर से जो स्वतः विकिरणें उत्पन्न होती हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसे आप कहते हैं स्टोन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष के मरकरी जिसे पारा भी कहते हैं हिंदी में, याद रखेंगे, और इसे HG से शो करते हैं, ये इसका रासायनिक चिन्ह है यानी केमिकल सिंबल है HG, और जिसे हिंदी में पारा कहेंगे और इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मरकरी एक प्रकार की धातु है और दुनिया की अकेली धातु है जो लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है, यानी किसी मेल में या पुरुष में मरकरी के विषाक्तन के कारण या पॉइजनस होने के कारण, मरकरी के संपर्क में होने के कारण कौन सा रोग फैलता है। पहला है ब्लैक लंग, दूसरा अर्सेनिकोसिस, एंड थर्ड है मीना माता, चौथा ताई इटाई। राइट आंसर है आपका मीनामाता। मीनामाता जैसी बीमारी
मरकरी के विषाक्तन के द्वारा फैलती हैं. सो राइट आंसर है आपका मीनमाता, जबकि इटाई इटाई रोग कैडमियम के विषाक्तन के कारण फैलती हैं. तो याद रखेंगे कि इटाई इटाई जैसी बीमारियां कैडमियम के विषाक्तन से फैलती हैं. कैडमियम विषाक्तन के द्वारा और पारे के विषाक्तन या मरकरी के विषाक्तन द्वारा मीनमाता डिजीज. सो राइट आंसर है आपका थर्ड, मीनमाता डिजीज या मीनमाता रोग. क्वेश्चन नंबर 10, इटाई इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है. यानी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इटाई इटाई एक बीमारी है और ये इटाई इटाई बीमारी किसके द्वारा फैलती है. तो इटाई इटाई जैसी बीमारी कैडमियम के विषाक्तन के कारण फैलती है. पीछे ही मैंने इस विषय पर अभी आपको डिस्कस किया था. और मरकरी के कारण आपने देखा मीनामाता रोग होता है. मीनामाता रोग मरकरी के द्वारा और कैडमियम के द्वारा इटाई इटाई डिजीज क्रिएट होती है. सो राइट आंसर है, सही उत्तर है आपका तीसरा विकल्प. क्वेश्चन नंबर 11, सरल गलगंड जिसे घेंघा भी कहते हैं. सरल गलगंड एक प्रकार की बीमारी है जिसे घेंघा भी कहेंगे और इंग्लिश में इसे ग्वाइटर कहते हैं. कभी कभी एग्जाम में ग्वाइटर डायरेक्टली हिंदी में भी लिखकर आ जाता है. सो आप इस बात को ध्यान देंगे कि घेंघा या ग्वाइटर या गलगंड तीनों एक ही बीमारियों के नाम है. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, यानी इस बीमारी में या इस समस्या में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. तो पहला है अश्रुग्रंथि. अश्रुग्रंथि आंखों में पाई जाती है, आईज में होती है, ये आंखों का पार्ट है. फिर है यकृत या लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है. तीसरा है थायराइड ग्रंथि. थायराइड एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य के गले में पाई जाती है. गले में उपस्थित होती है यहाँ पे. और चौथा है मसूड़े. मसूड़े माउथ का पार्ट है, मुख का भाग है. तो गलगंड या घेंघा जैसी बीमारियां गले में होती हैं और गले में थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करती हैं. थायराइड ग्रंथि गले में, आपके इस गले में यहाँ पे दो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक थायराइड और दूसरी पैराथायराइड. थायराइड और पैराथायराइड विंड पाइप यानी श्वास नली के दोनों साइड चिपकी हुई होती है. थायराइड ग्रंथि में एक हार्मोन का निर्माण होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन. तो याद रखेंगे कि थायराइड में एक हार्मोन का निर्माण होगा जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन. और ये थायरोक्सिन हार्मोन मनुष्य के शरीर का अकेला ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी मैक्सिमम होती है. आई का मतलब है आयोडीन. आयोडीन का अमाउंट या आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन में पाई जाएगी. और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्रंथि में होता है जो मनुष्य के गले में यानी थ्रोट वाले भाग में पाई जाती है. जब इसी थायरोक्सिन हार्मोन का बनना कम हो जाता है तो आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि का आकार सूजकर यानी स्वेलोड होकर बड़ा हो जाता है. यानी थायराइड ग्रंथि के बढ़े हुए आकार को ही कहते हैं ग्वाइटर या घेंघा. तो आप याद रखिएगा कि ग्वाइटर या घोंघा क्या है, तो थायराइड का बढ़ा हुआ आकार है. राइट आंसर आपका थर्ड, ठीक है. थायराइड का बढ़ा हुआ आकार ही कहलाएगा ग्वाइटर या घेंघा बीमारी जो आयोडीन की कमी से होती है. तो राइट आंसर है आपका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत ज्वर या टाइफाइड किसके द्वारा होता है. टाइफाइड या आंत ज्वर एक तरीके के बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया यानी जीवाणु का नाम है सलमोनेला टाइफी. सलमोनेला टाइफी याद रखिएगा.
सल्मोनेला टाइफी, ये इस बीमारी के बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है, और इसी के द्वारा आंतज्वर या टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है, सफेद बाल किसके कारण होते हैं? मनुष्यों में, मेल या फीमेल में, बालों का सफेद होना मुख्य रूप से किसका कारण है? तो पहला है बाह्य त्वचा कोशिकाओं का काल प्रभावन, दूसरा है त्वचीय कोशिकाओं की मृत्यु यानी स्किन में या त्वचा में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनका डेथ होना या उनकी मृत्यु होना, तीसरा है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में सीबम का क्षय होना, और चौथा है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय होना। मनुष्य की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी मेलानिन की जब कमी हो जाती है यानी क्षय हो जाता है तो व्यक्ति में बालों का सफेद होना प्रारंभ हो जाता है। यानी सही विकल्प है आपका चौथा कि बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय होना या मेलानिन की कमी का हो जाना, ये कारण है बालों के सफेद होने का। सो राइट आंसर आपका फोर्थ कि मेलानिन की कमी हो जाना बाह्य त्वचा कोशिकाओं में। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम लैप्री है, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइकोबैक्टीरियम लैप्री क्या है। तो एग्जैक्टली माइकोबैक्टीरियम लैप्री एक प्रकार का जीवाणु है या बैक्टीरिया का नाम है जो एक पर्टिकुलर या निश्चित बीमारी का कारक है, और वो बीमारी है लैप्रसी। लैप्रसी जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं, लैप्रसी का कारक है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। और ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें, ये बैक्टीरिया या जीवाणु के आकार के हैं, दंडाणु यानी बैसिलस, दूसरा है गोलाणु यानी गोलाकार कॉकस, और तीसरा है सर्पिल यानी स्पाइरल सर्पिलाकार, चौथा है बीजाणु। तो ये चारों आकार हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया के, जिस आकार में शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम लैप्री जो एक डिजीज कॉज करता है या बीमारी कॉज करता है, उस बीमारी का नाम है कुष्ठ, जिसे आप कहेंगे लैप्रोसी। और इस पर्टिकुलर बीमारी का रीजन है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। इस बैक्टीरिया का आकार दंडाकार होता है, सो राइट आंसर है आपका दंडाणु, जबकि कॉकस या गोलाकार आकार मनुष्य के आरबीसी की कोशिकाओं का होता है, और माइक्रोकोकस बैक्टीरियम का आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है, यानी किस इन चारों में से किस एक बीमारी की परिस्थिति में व्यक्ति में अभिबंधक जबड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे अभिबंधक जबड़ा क्या है। अभिबंधक जबड़े को इंग्लिश में कहते हैं लॉक जॉ। लॉक जॉ का मतलब है कि जबड़े का क्लोज हो जाना, लॉक हो जाना, और ये टिटनेस नामक बीमारी में होता है। टिटनेस की बीमारी में या टिटनेस नामक विकार उत्पन्न होने पर व्यक्ति के जबड़े यानी माउथ का पूरी तरीके से जबड़ा क्लोज हो जाता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसे अलग किया जा सके। ये काफी तेजी से एक दूसरे में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं यानी जकड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं अभिबंधक जबड़ा। तो इसमें चार ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, लकवा और टिटनेस। सो राइट आंसर है आपका टिटनेस। टिटनेस में ही लॉकजॉ या अभिबंधक जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य के माउथ के जबड़े पूरी तरीके से एक दूसरे में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बैठ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मीना माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था। इससे पहले भी हमने देखा था कि मीनामाटा, जिसे आप मीना माता कह रहे थे, ये एक बीमारी पर्टिकुलर पारा या जिसे आप मरकरी कह रहे थे, तो पारा के विषाक्तन के कारण पैदा हो रही थी। पारा विषाक्तन के कारण, जिसका सिंबल है HG और इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, तो मरकरी के विषाक्तन के कारण पैदा हो रही थी। सो राइट आंसर है आपका पारा।
पारा के विषाक्तन के कारण ही मिनामाता रोग उत्पन्न होता है. क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, यानी ग्रेव जैसी बीमारियां किसके कारण से होंगी. पहला है थायराइड की अति सक्रियता यानी ज्यादा वर्क करने पर. दूसरा है थाइमस की अल्प सक्रियता, यानी थाइमस ये सारी एक ग्रंथियां हैं. थायराइड भी एक तरीके के अंतःस्रावी ग्रंथि है और थाइमस भी एक प्रकार की ग्रंथि है. थायराइड की अति सक्रियता के कारण यानी ज्यादा वर्क करने पर, ज्यादा एक्टिव होने पर, और थाइमस की अल्प सक्रियता यानी थाइमस की कम एक्टिविटी होने पर. तीसरा है थायराइड की अल्प सक्रियता और चौथा है थाइमस की अति सक्रियता. दो ग्लैंड दिए गए हैं थायराइड और थाइमस और पूछा है कि किसके ज्यादा काम करने से बीमारी होगी या किसके कम करने से. तो एग्जैक्टली ग्रेव नामक बीमारी जो गले संबंधित है, तो ये ग्रेव नामक बीमारी पहली बात संबंधित है, याद रखेंगे गले से संबंधित है. और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और इसी थायराइड ग्रंथि की ज्यादा वर्क करने से यानी अति सक्रिय होने से, ज्यादा फास्ट वर्क करने से ही हो जाता है ग्रेव नामक रोग. तो पहला ऑप्शन सही है कि थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव नामक रोग हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 18, संकरित आपंक उपचार को क्या कहते हैं. संकरित आपंक उपचार को जैविक उपचार भी कहते हैं, यानी बायो ट्रीटमेंट कहते हैं इसको. इंग्लिश में कहते हैं बायो ट्रीटमेंट और हिंदी में कहेंगे जैविक उपचार. बायो ट्रीटमेंट या बायोटिक ट्रीटमेंट या जैविक उपचार एक तरीके का संकरित आपंक उपचार है. सो राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प सही है. प्रारंभिक उपचार फर्स्ट एड कहलाता है इंग्लिश में और ये किसी भी समस्या में चोट लगने पर जो सबसे पहले उपचार किया जाता है, जैसे घाव को धुलना या उस तरीके से नॉर्मल अवस्था में बैंडेज कर देना, ये सारी चीजें प्रारंभिक उपचार है. और जैविक उपचार है बायो ट्रीटमेंट, जो संकरित आपंक उपचार है एक तरीके का. क्वेश्चन नंबर 19, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं. यानी एक ऐसा प्रोसेस, सीक्वेंशियल मेथड, या एक ऐसा क्रमबद्ध वर्क, क्रमबद्ध किया गया कार्य या क्रमबद्ध उपचार जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से बचाया जाता है या बचाने के लिए किया जाता है. तो पहला है वैक्सीन. वैक्सीन एक तरीके का वैक्सीनेशन है, यानी टीका है एक तरीके का, जिसे वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं, याद रखेंगे टीका. और टीका लगाने की प्रक्रिया को यानी वैक्सीन करने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं. दूसरा है प्रतिकारक यानी एंटीबायोटिक हो जाएगा प्रतिजैविक, और प्रतिकारक है आपका एंटीजन. तीसरा है क्रमादेश संग्रह नेम का, और चौथा है निर्वचक. एक्चुअली इसका राइट आंसर है वैक्सीन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण की पद्धति की जाती है. बच्चों में छोटी उम्र में भी भविष्य में कोई बीमारी या संक्रमण ना हो, इसके लिए ढेर सारे अलग अलग तरीके के टीके लगाए जाते हैं नियमित रूप से. सो राइट आंसर आपका पहला वैक्सीन या टीका. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण नहीं फैलता है. तो पहला है फीलपाव. फीलपाव एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य का पैर का भाग सूजकर स्वेलोड होकर के पूरी तरीके से बहुत हैवी हो जाता है, यानी भारी हो जाता है. दूसरा है प्राच्यव्रण. तीसरा निद्रालु व्याधि और चौथा कालाजार. ये चारों बीमारियों में से फील पांव एक ऐसी बीमारी है जो पर्टिकुलर प्रोटोजोआ के कारण नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 21, कालाजार किससे संचारित होता है. तो कालाजार जैसी बीमारियां सिकता मक्खी के द्वारा फैलती हैं. सिकता एक मक्खी का प्रकार है जिसके द्वारा कालाजार नामक बीमारी फैलती है, जबकि एनाफिलीज भी एक प्रकार की मक्खी है जो मलेरिया का वाहक है. क्वेश्चन नंबर 22, एड्स
देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई? एड्स एक प्रकार की बीमारी है और ये विषाणु जनित रोग है, यानी ये वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, विषाणु के द्वारा फैलती है ये बीमारी, और एड्स के विषाणु का नाम है HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की बीमारी की पहचान सबसे पहले 1983 में की गई थी, 1983 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG एक प्रकार का वैक्सीन है या टीका है जो छोटे बच्चों में जन्म के समय लगाया जाता है। यह टीका जन्म के 15 दिन के अंदर लगाया जाता है, यानी बच्चा जैसे ही जन्म लेता है ठीक उस समय से 15 दिन के अंदर लगा देना चाहिए, 15 डेज के अंदर। सो राइट आंसर है आपका 4th, 15 दिन के भीतर। और BCG टीके का फुल फॉर्म है वो आप याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है। इसका पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ध्यान रखेंगे, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस इस बैक्टीरिया का आकार बताता है, बैसिलस का मतलब है कि छड़ाकार, छड़नुमा, और कॉलमेट ग्यूरिन इसका नाम है, बैसिलस कॉलमेट, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ये इसका पूरा नाम है। और ये भी याद रखेंगे कि मैं भी अगर पूछ लेता है आपसे तो 15 दिन के भीतर का मतलब है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसी दिन से ये काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्लेग किससे फैलता है? तो सबसे पहली बात कि प्लेग एक ऐसी बीमारी है जिसका वाहक है चूहा, चूहों के द्वारा यानी रैट्स के द्वारा प्लेग जैसी बीमारियां फैलती हैं। अब ये चार ऑप्शन देखिए आप, पहला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटोजोआ, एंड तीसरा है विषाणु, तथा चौथा है उपर्युक्त सभी। तो प्लेग पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, यानी यह एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, और जिस जीवाणु का वाहक जो है यानी कैरियर एक तरीके से चूहा है, और इस जीवाणु का नाम क्या है देखिए, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली एग्जाम में कभी कभी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेता है। तो इसका नाम है इंटेरो बैक्टीरियम यार्सिनिया पेस्टिस। इट इज द फुल नेम ऑफ प्लेग डिजीज बैक्टीरिया इंटेरोबैक्टीरियम यार्सिनिया पेस्टिस। इंटेरोबैक्टीरियम यार्सिनिया पेस्टिस एक प्रकार का जीवाणु है जिसके द्वारा प्लेग जैसी बीमारियां होंगी। प्लेग के इस बैक्टीरिया या जीवाणु का कैरियर या वाहक चूहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है कि सूची एक के कीट रोग वाहकों का सूची दो में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। पहला है सूची एक जिसमें दिए गए हैं कीट रोग वाहक, और दूसरे में दिए गए हैं सूची दो में रोगों का नाम। इनको मिलाना है कि किस एक कीट के द्वारा जो रोग का वाहक है उसके द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है। तो अभी हमने देखा था, इधर एक बार देखेंगे बीमारी का नाम। पहला है कालाजार, दूसरा नींद की बीमारी, तीसरा है फाइलेरियोसिस, फाइलेरियोसिस का मतलब है फाइलेरिया से, और चौथा है मलेरिया। सबसे पहली बात मलेरिया को देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि मलेरिया एक
प्रकार की मक्खी के द्वारा फैलता है, इसका वाहक मक्खी है और वो है एनाफिलीज मादा मक्खी। तो इसमें देखेंगे चौथे का पहला ऑप्शन हो जाएगा एनाफिलीज मादा मक्खी के द्वारा मलेरिया, दूसरा है फाइलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियां पर्टिकुलर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलती हैं, अभी आपने पीछे देखा था फील पाँव जिसे आप कहते हैं, फिर है नींद की बीमारी और कालाजार। तो कालाजार सीसी मक्खी के द्वारा और नींद की बीमारी रेत की मक्खी के द्वारा। अब ऑप्शन मैच करेंगे तो ए का फोर ये है, तो ये पहला वाला ही मैच कर रहा है, दैट मीन्स यही सही होगा, बाकी भी मैच करा लेंगे। बी का तीसरा होना चाहिए, बी का तीसरा ये हो गया, और सी का पहला होना चाहिए, तो सी का ये देखिए सी का रेत मक्खी, दैट मीन्स कालाजार, और फिर आपका डी का दूसरा यानी नींद की बीमारी सीसी मक्खी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दवा की एक खुराक या उससे अधिक खुराकों की मात्रा दी जाए बहुत ही कम टाइम में, यानी ज्यादा मेडिसिन दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे, यानी उसके कारण जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे। पुरानी विषाक्तता, घोर विषाक्तता, LD50, LC50। तो राइट आंसर इसका घोर विषाक्तता, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ही ज्यादा बॉडी में केमिकल फैल जाता है और जिस कारण से पॉइजन का निर्माण एक तरीके से हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सेकंड आपका सही है, घोर विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर 27। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग एक तरीके से नॉर्मल अवस्था में गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। पहली बात, गर्भ निरोधक क्या है, तो महिलाओं में गर्भ धारण न करना चाहे अगर, यानी महिलाओं में गर्भ की अवस्था न बने, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर दवाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और इन दवाओं को ही कहते हैं गर्भ निरोधक दवाएं। इनका प्रयोग महिलाएं प्रतिदिन कर सकती हैं और डेली करती हैं, जिससे उनमें की बच्चे का फॉर्मेशन ना हो यानी गर्भ धारण ना हो। तो सबसे पहली बात कि गर्भ निरोधक दवाओं में दो तरीके के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं में दो हार्मोन का निर्माण होता है, दो हार्मोन का निर्माण होता है, एक का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन है और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन हैं जो मादा में यानी महिलाओं में बनते हैं और इन्हीं दोनों हार्मोन को मिला करके बनाया जाता है गर्भ निरोधक दवाएं। गर्भ निरोधक दवाएं पर्टिकुलर यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के मिले हुए रूप को ही कहते हैं गर्भ निरोधक दवाएं, या मिला हुआ रूप है वो। तो आप ऑप्शन मैच कराएंगे, कार्टिसोन गलत है, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, ये है प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजन भी कहीं दिया है, सही है। दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पुरुषों में बनता है, एल्ड्रेट्रॉन ये भी गलत है। तो इस तरीके से राइट आंसर है आपका प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सूची एक में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची दो में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ मिलाइए, यानी पहले में पर्टिकुलर कुछ तत्व दिए गए हैं और इन तत्वों की कमी के कारण जो रोग या विकार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें सूची दो में दिया गया है, तो इन्हें मिलाना है, मैच करना है। सबसे पहले देखेंगे आयोडीन, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा या ग्वाइटर नामक बीमारी होती है,
तो ए का तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से मनुष्य के शरीर में ब्लड की कमी होती है, और वो भी प्रोणासी रक्ताल्पता जिसे आप कहते हैं, और प्रोणासी रक्ताल्पता को रक्ताल्पता जिसे आप एनीमिया कहते हैं, एनीमिया भी दो तरीके की है, एक को कहते हैं प्रोणासी रक्ताल्पता और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। तो प्रोणासी रक्ताल्पता विटामिन B12 के कारण होती है, जबकि सूक्ष्माणु रक्ताल्पता आयरन की कमी के कारण होती है, क्योंकि आयरन की कमी होने पर मनुष्य के शरीर में उसके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और उसी को कहेंगे सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। अगला है सी, नियासिन। नियासिन के कारण पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, जिसे पैलेजिया भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में पेलाग्रा कहते हैं, याद रखेंगे, पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है या पैलेजिया। एंड नाउ यू कैन मैच दिस, अब आप इसको मिला सकते हैं। तो ए का तीसरा ये है, पहला ही मैच कर रहा है यही अकेले, तो बाकी भी आप मिला सकते हैं। राइट आंसर है आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, यानी इन चारों में से किस विधि द्वारा किसी व्यक्ति में कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके, दूसरा मक्खन खाकर, तीसरा नींबू वाला पानी पीकर, और चौथा मल्टीविटामिन की गोलियां खाकर। एग्जैक्टली किसी व्यक्ति में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO, जो एक तरीके की प्रदूषक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जित धुएं में उपस्थित होती है या नॉर्मल अवस्था में भी, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, जिसे आप रूपांतरित भी कहते हैं। पहला है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके, तो पहला ही आंसर सही है। अगर किसी व्यक्ति में कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता हो जाए तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की यानी स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित किया जाए तो ये विषाक्तता दूर हो सकती है या दूर होती है। सो राइट आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 30, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है, यानी मनुष्य के मसूड़ों से या गम्स से ब्लड आना, जिसे आप ब्लीडिंग भी कहते हैं या रक्त स्राव कहते हैं, इसको इनमें से किस पदार्थ के द्वारा रोका जा सकता है। तो राइट आंसर है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, याद रखेंगे, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसी विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड के कारण ही मसूड़ों से खून का आना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो अस्थि भवन परीक्षण एक तरीके का प्रोसेस है, जिसमें किसी भी व्यक्ति में बोन्स या अस्थियों की वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति में 25 ईयर्स तक ही, यानी 25 साल तक ही अस्थियों का यानी बोन्स का ग्रोथ, जिसे आप कहेंगे वृद्धि होती है, 25 साल तक ही नॉर्मल अवस्था में बोन्स की वृद्धि होगी, और इसी अवस्था तक ही व्यक्ति के शरीर में पूरी तरीके से हड्डियां मैच्योर या परिपक्व हो जाती हैं। इससे कम आयु में यानी बच्चों में नॉर्मली, यानी जिसकी उम्र 20 साल से कम है, उसमें उसकी हड्डियों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, और इन्हीं हड्डियों से, यानी अगर किसी व्यक्ति में उसके शरीर का जो कंकाल है, तो हड्डियों के जो जोड़ है, अगर वो पूरी तरीके से मिल चुके हैं, जोड़ आपस में मिल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र 25 साल से ऊपर है। तो दैट मीन्स अस्थि भवन परीक्षण का प्रयोग अंतरिम आयु या एज एक तरीके से ज्ञात करने में किया जाता है, और इसका संबंध हड्डियों के विकास को पता करने से है। क्वेश्चन नंबर 32, 32, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है सामान्य अवस्था में, याद रखेंगे, और ब्लड कैंसर ही नहीं बल्कि
अस्थि मज्जा का कैंसर भी ल्यूकेमिया कहलाता है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, ये हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक गाढ़ा तरल पदार्थ है अस्थि मज्जा। यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है, यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा कैंसर भी ल्यूकेमिया कहलाता है, और इसके अलावा ब्लड कैंसर को भी ल्यूकेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 2,4-D किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 2,4-D एक तरीके का यौगिक है, कंपाउंड है। सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है 2,4-DI-क्लोरो-फिनॉक्सी-एसिटिक एसिड। यह इसका पूरा नाम है, डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यह इस यौगिक का पूरा नाम है, और इस यौगिक का या इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में। खरपतवार का मतलब है कि जो फालतू की चीजें हैं या वनस्पतियां हैं जो फसल को नष्ट करती हैं, उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर ये खरपतवार नाशी चीजें कहाँ पे, यानी ये खरपतवार ज्यादातर कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो चाय के बागानों में, या ज्यादातर बड़ी पत्ती वाली फसलों में उत्पन्न होते हैं, जैसे गन्ने में, गेहूं में, मक्के में, या चाय के बागानों में, ऐसी जगह पर ये उत्पन्न होते हैं। और इन्हें नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम है, एक बार फिर से याद रखेंगे, 2,4-डाइक्लोरो, डी का मतलब है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4 स्टार्टिंग में है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विडाल टेस्ट परीक्षण का प्रयोग करेंगे टाइफाइड या आंत ज्वर को नष्ट करने के लिए। तो राइट आंसर है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 35, लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप या परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशियां थकान हो जाती है? क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि क्या कारण है, किस कारण से, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमारी पेशियों में ज्यादा शारीरिक श्रम करने पर या परिश्रम करने पर या व्यायाम करने पर, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे मांसपेशियों के अंदर बनता है और जमा हो जाता है जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है? और इस क्रिया में एक चीज ये थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसे याद रखेंगे, अस्थायी अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, इससे पहले के टॉपिक में हम चर्चा कर चुके हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय तथा अवायवीय, यानी एरोबिक तथा एनारोबिक। वायवीय का मतलब है कि जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, दूसरा जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी वो अवायवीय होगा या अनैरोबिक होगा। तो जनरली ये चीजें अवायवीय श्वसन में होती हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन यानी व्यायाम ज्यादा करने पर ऑक्सीजन की एक तरीके से कमी या अनुपस्थिति होने लगती है और शरीर में अवायवीय श्वसन महसूस होता है। तो ज्यादा शारीरिक श्रम या परिश्रम करने पर या व्यायाम करने पर मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, यानी लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, और यही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति में थकान का या खिंचाव का आभास होता है या अनुभव होता है। तो राइट आंसर आपका लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36, थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? थैलेसीमिया एक प्रकार का फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन है। तो राइट आंसर है आपका 4, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। और थैलेसीमिया भी एक प्रकार का विकार है। थैलेसीमिया या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन में क्या होगा कि एक विषाणु या वायरस जो है वो इस प्रकार से वर्क करता है कि पर्टिकुलर उसके द्वारा आरएनए डीएनए के अंश में चेंज होने लगता है, यानी आरएनए का डीएनए के रूप में
आंशिक परिवर्तन होना ही कहलाएगा फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. टाइफाइड बुखार किसके द्वारा उत्पन्न होता है? टाइफाइड जिसे हम आंतज्वर भी कहते थे, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि टाइफाइड जिसे हिंदी में आंतज्वर कहते हैं, आंतज्वर या टाइफाइड एक तरीके का बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जिस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी. सल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु का नाम है. क्वेश्चन नंबर 38. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई, यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है या तकनीक है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ठीक बाद बनी है या ठीक बाद विकास में आई है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है टीकाकरण या वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन या टीकाकरण प्रोसेस या पद्धति के पहले एक विकास हुआ था टेक्नोलॉजी का जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी के ठीक बाद या आप कह सकते हैं कि इसी के कारण वैक्सीनेशन संभव हो सका या वैक्सीनेशन जैसी प्रक्रिया चालू हुई. क्वेश्चन नंबर 39. इबोला क्या है? ये काफी दिन चर्चा में भी रहा क्योंकि साउथ अफ्रीका के रीजन में, साउथ अफ्रीका के देश में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कारण ही ढेर सारी बीमारियां जन्म ली जिसके कारण लगभग कई हजार लोगों की मृत्यु हुई थी. तो याद रखेंगे इबोला एक तरीके का वायरस है, यानी एक प्रकार का विषाणु है जो बहुत ही संक्रामक विषाणु है, यानी बहुत ज्यादा संक्रमण पैदा करता है और इसके कारण कई सारी संक्रामक घातक बीमारियां होती हैं. तो इबोला के कारण कौन कौन सी संक्रामक बीमारियां होंगी? संक्रामक, मैं इनमें से कुछ बीमारियां आपको बता देता हूं जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे इबोला वायरस डिजीज, इसका शॉर्ट नेम है, लिखा है मैंने, इसका पूरा नाम होगा इबोला वायरस रोग या इबोला विषाणु रोग, ये पहला होगा. और दूसरा है इसका ई एच एफ, ये दूसरी संक्रामक बीमारी है जो इबोला वायरस के कारण होती है. इसका पूरा नाम है हेमोराहेजिक बुखार, हेमोराहेजिक बुखार. तो याद रखेंगे दो सबसे खतरनाक और संक्रामक बीमारियां हैं जो इबोला वायरस के कारण या इबोला विषाणु के कारण फैलती हैं. पहला है ईवीडी और दूसरा है ई एच एफ. ईवीडी का मतलब है इबोला वायरस और डी का मतलब डिजीज यानी बीमारी, और ई एच एफ का मतलब है हेमरोहेजिक और एफ का मतलब फीवर, हेमरोहेजिक फीवर. क्वेश्चन नंबर 40. शुष्का चिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि शुष्का चिकोप क्या है. शुष्का चिकोप एक प्रकार की बीमारी है जो मनुष्यों में आंख से संबंधित है, यानी ये प्रॉब्लम समस्या आंखों से संबंधित है, आंखों में होती है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं जीरोप्थैल्मिया. जीरोप्थैल्मिया और जीरोप्थैल्मिया या शुष्का चिकोप में आंखें सूख जाती हैं या ड्राई हो जाती हैं, जिसे कहते हैं आंखों का सूख जाना. और इसके लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण है कि इसमें आंसू नहीं आते हैं, यानी व्यक्ति में आंसू का आना या निर्माण होना बंद हो जाता है, यानी अश्रु ग्रंथि को प्रभावित करेगा. और ये बीमारी विटामिन ए के कारण होती है, यानी विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा की कमी होने पर, यानी सीमा से अधिक हो जाने पर व्यक्ति में जीरोप्थैल्मिया यानी आंखों का सूख जाना, जिसे कहते हैं शुष्का चिकोप जैसी बीमारियां हो जाती हैं. और ऐसी स्थिति में ये आंख के अंदर उपस्थित अश्रु ग्रंथि को प्रभावित करती हैं.
जिस कारण से व्यक्ति में आंसुओं का बनना यानी टीयर्स का फॉर्मेशन बंद हो जाता है और आंखें लगभग सूख जाती हैं या ड्राई हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि घेंघा या ग्वाइटर, जिसे आप गलगंड कहते हैं, पर्टिकुलर आयोडीन की कमी से होता है जो गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि में होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार सूजकर बड़ा हो जाता है और ज्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो राइट आंसर है आपका पहाड़ी क्षेत्र या माउंटेन रीजन। क्वेश्चन नंबर 42, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो आप याद रखेंगे कि मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक है, जिसे फील पाँव भी कहते हैं। इसके कारण फाइलेरिया नामक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के पैर का आकार सूजकर बड़ा हो जाता है यानी हैवी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट, नाम से लग रहा है कि आयोडीन का टेस्ट होगा, बट एग्जैक्टली इसका उत्तर है आयोडीन टेस्ट एक ऐसा परीक्षण है जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति में स्टार्च की उपस्थिति का पता करने में किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका प्रयोग करते हैं स्टार्च, यानी जिसे आप हिंदी में मंड कहते हैं, की उपस्थिति की जांच की जाती है इसके द्वारा कि किसी व्यक्ति में इसकी उपस्थिति है या नहीं या कितनी है, उपस्थिति का पता करने में या जांच करने में। अब इन चारों को देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फैट में या वसा में उपस्थित एक पदार्थ है और कोलेस्ट्रॉल वसा में होगा। दूसरा है वसा फैट और तीसरा है प्रोटीन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का स्टार्च है यानी वसा है। सो राइट आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का स्टार्च है या मंड है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, यानी इन चारों में से किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्राणी के द्वारा पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं या पोलियो नामक विकार उत्पन्न होता है? तो पोलियो नामक विकार एक वायरस के कारण होगा, एक कवक, एक वायरस, एक कृमि और एक बैक्टीरिया। सबसे पहली बात, पोलियो है क्या? तो पोलियो जैसी बीमारी में व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है या संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। जनरली ये स्केलेटल को भी प्रभावित करता है, कंकाल को। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का कोई अंग छोटा हो जाता है या टेढ़ा मेढ़ा विकृति जन्य हो जाता है। पोलियो से बचने के लिए बचपन में टीकाकरण, पर्टिकुलर कुछ दवाओं की ड्रॉप्स पिलाई जाती है और यह एक प्रकार का बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 45, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच टीबी का परीक्षण करने के लिए है। ऑप्शन देखेंगे, पहले एक बार चारों ऑप्शन देखेंगे जिससे बाकी ऑप्शन के बारे में भी जानकारी हो। एलिसा जांच या एलिसा परीक्षण, पहला है कैंसर, दूसरा है टीबी और तीसरा है पोलियो, चौथा है एक बैक्टीरिया के लिए। तो एलिसा जांच पर्टिकुलर किया जाता है व्यक्ति में बैक्टीरिया के द्वारा। नॉर्मली बैक्टीरिया का पता करने के लिए एलिसा जांच का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा है पोलियो, तो पोलियो की बीमारी का पता करने के लिए, वो एक प्रकार का भौतिक बीमारी है, फिजिकली ही आपको दिखाई देती है, इसलिए उसके लिए भी इस प्रकार के चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका इसमें एड्स जैसी बीमारियां होती हैं, पर्टिकुलर एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रयोग यानी जाँच करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे इसमें चारों में कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस या बैक्टीरिया दिया हुआ है ना, तो इसका राइट आंसर होगा एड्स। आप याद रखिएगा, यू कैन करेक्ट दिस, एड्स जो एक प्रकार का वायरस या विषाणु जनित रोग है। एड्स के परीक्षण के लिए
एलिसा जांच या एलिसा परीक्षण किया जाता है. दिस फोर ऑल आर रॉन्ग्स, सो करेक्ट दिस एड्स. क्वेश्चन नंबर 46, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है, यानी पर्टिकुलर इन चारों में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जिस एंजाइम के कारण एचआईवी वायरस, जिसके द्वारा एड्स जैसी बीमारियां होती हैं, तो एचआईवी अपना आकार बदल लेता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण है, या एक देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस एक प्रोसेस है जबकि इसमें उपस्थित एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है, और इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण ही एचआईवी अपना आकार बदल लेता है. सो राइट आंसर है आपका पहला. क्वेश्चन नंबर 47, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है, यानी किसी भी रोगाणु, यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रोगों को पैदा करते हैं, उनके द्वारा कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो जो हानिकारक हैं. पहला है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, नहीं, एंटीबायोटिक हमारे लिए लाभदायक है तो ये गलत है. दूसरा प्रदूषक, ये भी गलत है. तीसरा है हार्मोन, हार्मोन प्रॉफिटेबल है, ये भी गलत. चौथा है आविष या टॉक्सिन. जितने भी हानिकारक, यानी जो ऐसे जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो ज्यादातर टॉक्सिक मटेरियल या जहरीले पदार्थ, जिसे आप कह सकते हैं आविष पदार्थों का निर्माण करते हैं. तो राइट आंसर है आपका चौथा, आविष या टॉक्सिन. क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणासी मलेरिया है, यानी ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, दीज फोर जितने भी चारों हैं, ये सभी एक प्रकार के मलेरिया के टाइप है, मलेरिया के प्रकार है, वाइवैक्स, पुनरावर्तन, तृतीयक तथा दुर्दम. और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रणासी मलेरिया का उदाहरण है, तो इन चारों में से प्रणासी मलेरिया का उदाहरण वाइवैक्स है. वाइवैक्स इज द राइट आंसर. वाइवैक्स एक तरीके का प्रणासी मलेरिया है, जबकि बाकी सभी मलेरिया एक सामान्य मलेरिया है. क्वेश्चन नंबर 49, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी इन चारों विधियों में से किस विधि का प्रयोग कैंसर को ठीक करने में या कैंसर के इलाज में किया जाता है. पहला है फिजियोथेरेपी, दूसरा है कीमोथेरेपी एंड तीसरा इलेक्ट्रोथेरेपी, चौथा है साइकोथेरेपी. तो राइट आंसर है आपका कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी की एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में करते हैं. सो राइट आंसर है आपका कीमोथेरेपी. जबकि फिजियोथेरेपी भौतिक रूप से, यानी शरीर में किया जाने वाला ऊपरी एक प्रोसेस है, शरीर के ऊपर जो ये थेरेपी होती है फिजियोथेरेपी कहलाती है. इलेक्ट्रोथेरेपी में इलेक्ट्रॉनिक रेज का प्रयोग करते हैं. राइट आंसर आपका कीमोथेरेपी. अगला है क्वेश्चन नंबर 50, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि. साइनाइड, साइनाइड एक ऐसा पदार्थ है जिसको चाटने से या जिसका जीभ में, टंग में संपर्क आने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या शरीर में किसी भी प्रकार से अगर साइनाइड विषाक्तता हो जाए तो व्यक्ति की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है. तो उसका कारण क्या है? पहला है हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृतिम कर देता है, गलत है. दूसरा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को यह तोड़ता है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, ये भी गलत है. चौथा है कार्डियक अरेस्ट करता है. जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमार प्रॉब्लम है जो हार्ट से रिलेटेड है, यानी हृदय से संबंधित है. ऐसी परिस्थिति में हृदय अचानक से काम करना बंद कर देता है और ये चंद मिनटों के अंदर होता है. ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर देगा और उसकी मृत्यु अचानक हो जाएगी, जो किसके कारण होगी? साइनाइड विषाक्तता के कारण. सो राइट आंसर है आपका फोर्थ, कार्डियक अरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 51, एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है, यानी इन चारों में से कौन सा एंजाइम एचआईवी के द्वारा उत्पन्न है जो पोसी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर, यानी एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोसी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पोसी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो पहला है लिगेज, दूसरा इंटीग्रेज और तीसरा है हेलिकेज और चौथा है डीएनए गायरेज। ठीक है, सो राइट आंसर होगा इसका इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एक ऐसा उत्पन्न एचआईवी द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला हार्मोन है जो डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को उत्पन्न कर देता है, यानी किसके डीएनए के ऊपर, पोसी कोशिकाओं के डीएनए के अंदर एक एचआईवी के डीएनए को संगठित कर देता है, इंटीग्रेज। ये सभी क्वेश्चन थे आपके जिनका हमने अभी अभ्यास किया, ये इससे पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम फिर एक नए विषय के साथ यानी एक नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी के सेक्शन में आपसे मिलेंगे, केएलए पब्लिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।